15 तारीख को जम्मू एंड कश्मीर में जीएल शर्मा यानी कि डायरेक्टर प्लानिंग के द्वारा एक लेटर इशू होता है कि भैया जम्मू एंड कश्मीर में बकरीद के इवेंट पे आप लोग किसी भी तरह की इलीगल किलिंग नहीं करेंगे और तमाम जो धाराएं हैं एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, इन सब चीज़ों का पालन करेंगे और कोई भी स्लॉटर नहीं होगा, कैमल बीफ बकरी जितनी भी चीज़ें स्लॉटरिंग नहीं होगी, एक तरीके से डायरेक्ट कर दिया गया था जो कि फेस्टिवल होता है 21 से 23 के बीच में जो चलता है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को देख के बहुत लोग खुश हो गए कि भैया देखो मनोज सिन्हा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काउ स्लॉटर को रोक दिया, एनिमल किलिंग को रोक दिया, बहुत मानवतावादी काम, पूरा भारत में जहाँ जहाँ तक की बात पहुँची लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर अगले दिन 16 तारीख की क्या न्यूज़ आती है आपको मैं बता दूँ, 16 तारीख बहुत हफ्ता भर पहले की बात नहीं, 2 दिन पहले की बात है। डेक्कन हेराल्ड की न्यूज़ आप नीचे देख सकते हैं, J&K एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स यू टर्न ऑन काउ स्लॉटर बैन ऑन बकरीद, नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन स्लॉटर ऑफ एनिमल्स अर्लियर कम्युनिकेशन मिस कंस्ट्रक्टेड सेज ऑफिशियल, ठीक है। अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि इस पूरे आर्टिकल का सार क्या है, कि ऐसा क्या हो गया कि एक ही दिन में इतना मामला उलट पुलट गया, और इससे आप लोगों को भी खुद को टटोलने की जरूरत है कि एक कम्युनिटी चाहते तो किसी भी गलत चीज़ के फेवर में आक्रोश दिखा सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है और सरकारें पलट जाती हैं, गवर्नर पलट सकता है, ऑर्डर पलट सकता है और ऑफिशियल ये कह सकता है कि तुम मिसकंस्ट्रक्टेड हो गया, मिस इंटरप्रेट कर लिया गया, गलत समझ लिया गया, हम तो कुछ और कहना चाहते थे, ठीक है। देखिए क्या हो गया, आफ्टर इट्स ऑर्डर टू बैन द स्लॉटर ऑफ काउज काव्स एंड कैमल्स ऑन ईद उल अजहा बकरीद क्रिएटेड अपरोर, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे क्लैरिफाइड देयर वर नो बैन्स ऑन स्लॉटर ऑफ एनिमल्स ऑन द अपकमिंग फेस्टिवल्स। मैं आपको एक बार फिर से वो लेटर दिखाना चाहता हूँ जो शायद हो सकता है मिस हो गया हो, तो आप रुक के पढ़िएगा, ठीक है। जैसा से कहा गया है कि अगले ने बोल दिया कि कोई बैन वैन नहीं लगाया हमने, ना बैन की बात की, सब्जेक्ट पढ़िए, स्टॉपेज ऑफ इलीगल किलिंग sacrifice of cows, calves, camels and other animals and taking action against the offenders for violation of transport of animals rules on the occasion of Bakrid। तो यहाँ साफ साफ कह दिया कि किस इवेंट की बात हो रही है, सब्जेक्ट में ही कह दिया, क्लियर कर दिया है, और क्या सब्जेक्ट का मतलब है कि क्या क्या ऑर्डर्स हैं, क्या क्या इसके नीचे इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा क्या क्या करना है, तो स्टॉपेज ऑफ इलीगल किलिंग एंड sacrifices, cows and calves, camels, other animals, और एक्शन भी लेना है, इसकी बात भी कह रही, कोई ऑफेंडर उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेना है, और किस इवेंट में बकरीद के दिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है रोकने की तो बात हो ही रही है। अब जो इलीगैलिटी वाला मुद्दा उसको भी मैं पढ़ के बताऊंगा कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक्ट स्टेट किए गए हैं क्या ये लागू भी होते हैं, क्या ये इलीगल वाली बात फिट भी बैठती है यहाँ पे। अब मैं उस लेटर का बचा हुआ कंटेंट आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आप खुद समझिए, सब्जेक्ट पढ़ के समझ में आ गया ना कि डायरेक्शंस क्या थी, लेटर की डायरेक्शन यही थी कि रोकना है इलीगल किलिंग को, रोकना है इलीगल सेक्रीफाइस को, रोकना है बकरीद पे जो होने वाला है। अब बचा हुआ कंटेंट पढ़ लीजिए, इन दिस रिगार्ड्स लार्ज नंबर ऑफ सेक्रीफाइजल एनिमल्स आर लाइकली टू बी स्लॉटर्ड इन द यूपी ऑफ J&K ड्यूरिंग बकरीद फेस्टिवल शेड्यूल्ड फ्रॉम 21 to 23 July 2021 एंड द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ एनिमल वेलफेयर हैज रिक्वेस्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स टू स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट द एनिमल वेलफेयर लॉ विज प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। अब इसका पाखंड मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्ट में क्या झोल है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल वेलफेयर रूल्स 1978, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स अमेंडमेंट रूल 2001, स्लॉटर हाउस रूल 2001, म्यूनसिपल लॉ एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्शन फॉर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स एंड विच कैमल्स कैन नॉट बी स्लॉटर्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल, ठीक है। इन व्यू ऑफ द वर्क आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू टेक ऑल प्रिवेंशन मेजर एज पर द प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट एंड रूल्स रेफर्ड अबव फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द एनिमल वेलफेयर लॉ टू स्टॉप इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल एंड टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडर्स वायोलेटिंग एनिमल्स। अब यहाँ देखिए, या तो मनोज सिन्हा जी ने
गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर की जो भी बॉडीज़ हैं, ये लोग इन लोगों ने तो मजाक बना कर रख दिया हिंदुओं का, ठीक है। एक तरफ से ये मैसेज देते हैं कि भैया देखो हम इतना बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे सब बैन कर रख देंगे, सब कुछ हिला के रख देंगे, ठीक है। तो शायद ये इसलिए भी किया होगा कि अभी आसाम में जो उथल पुथल मचा के रखी है, हिमंत बिस्व शर्मा ने सोचा कि हम भी इंस्पायर्ड होकर कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा कि थोड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं हिंदुओं को, ठीक है। अगले ने प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 कोट किया और नीचे लिख दिया कि जो अबव रेफर किया गया कि भैया अबव जो मेजर्स हैं, जो रूल्स हैं, जो एक्ट्स हैं, उनके हिसाब से एक्शन लिया जाए और ऑफेंडर्स को सजा दी जाए। अब 1960 क्या कहता है उसको मैं पढ़ के आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको आराम से गूगल से इसकी कॉपी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा। क्या कहता है, एन एक्ट टू प्रिवेंट द इन्फ्लिशन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑन एनिमल एंड फॉर दैट पर्पज टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल। जैसे ही आप दूसरे पॉइंट को पढ़ेंगे, साफ लिखा है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर आपने 1960 का रेफरेंस दे दिया और कहा कि इसके तहत फॉलो किया जाए, तो भैया ये तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू ही नहीं होता, इसको आपने अमेंड ही नहीं किया, समझ में आ रहा है। अगर ये लागू ही नहीं होता तो आपका लेटर यूजलेस हो गया। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें साफ साफ लिखा है ट्रांसपोर्टेशन वाले एक्ट में, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, द रूल प्रोवाइड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्ट्री एंड पिग, पिग से तो मुसलमानों को मतलब नहीं हो तो हराम है, बाई रेल रोड और एरोप्लेन, कंटेनर्स मस्ट बी प्रॉपरली फिटेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइडिंग शेल्टर फ्रॉम सन हीट रेन और कोल्ड एंड अलाउिंग पोल्ट्री एंड पिग्स टू बी कम्फर्टेबल ड्यूरिंग द जर्नी। और मैं जनता से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रूल का यूज़ करके कहीं भी अगर आप देखें कि ठूस ठूस के जानवरों को ले जाया जा रहा है, ऐसा कई जगह आप पाएंगे कि सफोकेशन से जानवर मर जाते हैं, तो इसके तहत उन्हें रोकिए, पुलिस कंप्लेन करिए, उनके खिलाफ एक्शन की मांग करिए। अब जम्मू एंड कश्मीर पे वापस आते हैं, ये चीज़ अगर आप मॉडरेट कर भी लेते हैं, अगर ये चीज़ कंट्रोल कर भी लेते हैं, तो स्लॉटरिंग तो उससे बैन नहीं होनी है, स्लॉटरिंग तो उससे नहीं रुकनी है, ठीक है। आपका वो लेटर जो सिर्फ टूथलेस टाइगर की तरह काम कर रहे थे, एक ऐसे चक्कू की तरह थे इसकी कोई धार ही नहीं है, और जनता समझ में आई कि कितना बड़ा अटैक कर दिया है ना, तो सर वो तो एक यूजलेस चीज़ थी, और ये अगर यूजफुल चीज़ है भी तो इस स्लॉटर नहीं रोक सकती, तो वो करके आपने क्या साबित कर लिया। और उसके बावजूद आपके ऑफिशियल्स पलट गए अगले ही दिन, एक दिन के फ़र्क में, एक दिन के प्रोटेस्ट में, एक दिन की गर्मा गर्मी में, वहाँ के लोगों की, मुसलमानों की, आप पलट गए कि नहीं हम तो कहना कुछ और चाहते थे, साफ साफ ये आर्टिकल कह रहा है कि यू टर्न ले लिया आपने। देखिए आगे क्या लिखा है, द लेटर क्रिएटेड अप्रॉर इन कश्मीर विथ एन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स कॉलिंग इट आर्बिट्रेरी एंड अनएक्सेप्टेबल। द एसोसिएशन मुतहिद मजलिस उलेमा सेड इन अ स्टेटमेंट दैट द सेक्रीफाइस ऑफ परमिटेड एनिमल्स, द सेक्रीफाइस ऑफ परमिटेड एनिमल्स इंक्लूडिंग बोविंस ऑन बकरीद इज इम्पॉर्टेंट टेनेट ऑफ रिलीजन ऑन दिस डे। अब जरा आप गूगल करेंगे बोविन, तो आपको गाय की कौन सी ब्रीड देखने को मिलती है आप खुद समझ जाइए, ठीक है। ये मैं आपको गूगल से फोटो दिखा देता हूँ, तो मतलब बकरीद में बोविन गाय, एक तरीके से गाय ही है, वो काटना एक इम्पॉर्टेंट टेनेट है इनके हिसाब से, इनके रिलीजन में उस दिन पे। तो सर हम लोग ऐसे लोगों को पूरे देश में पाल रहे हैं जो उस पशु को खाने को, उस पशु के मरने को, काटने को, खाने को सेलिब्रेट करते हैं, उस चीज़ के अराउंड एक पूरा पूरा फेस्टिवल है, उस पर हंसते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते हैं, और बगल में कोई हिंदू अगर उसकी आस्था उस लेवल तक है कि भाई मुझे बुरा लग रहा है, वो देख के रोता रहे, बिलखता रहे, न्याय की मांग करता रहे कि मेरे धार्मिक अधिकारों का क्या, तो वो भाड़ में जाए। अब एक और पाखंड सुनिए, एक लेवल का पाखंड सुनिए, चलिए। 2015 इन अक्टूबर 2015 द J&K हाईकोर्ट डिस्पोज्ड ऑफ पिटीशन ऑन बीफ बैन इशू। बीफ बैन इशू के लिए एक पिटीशन डाली गई जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में, अगले ने डिस्पोज कर दी, ठीक है, सेइंग दैट द कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट टू फ्रेम अ पर्टिकुलर लॉ और इनेक्ट अ लॉ इन अ पर्टिकुलर मैनर। उस तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते जैसा आप चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ बिल्कुल ही अजीब चाह रहा हो, लेकिन अगर चाह भी रहा हो तो एक बैन की लिमिट ज़्यादा क्या चाह रहा होगा, ज़्यादा ज़्यादा ये चाह रहा होगा कि बिल्कुल इमीडिएट इफेक्ट से उसको रोकिए, नो काउ स्लॉटर, कोई काटेगा नहीं, बिल्कुल ना काटेगा, ना खाएगा, ना इम्पोर्ट करेगा, ना एक्सपोर्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा।
इसकी यही तो लिमिट होगी, उसमें आपको क्या गलत नजर आया, अगर ऐसा है तो मेरी उम्मीद से ठीक है। अब आगे देखिए, इन जुलाई 2017 द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की बात है, अब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट हैड ऑल्सो सस्पेंडेड अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लॉ, 2017 की बात हो रही है, मोदी रूल की बात हो रही है, 2015 में भी मोदी ही राज था, सेंटर में तो था ना। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑल्सो सस्पेंडेड अ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लॉ दैट हैड बैंड सेल ऑफ कैटल फॉर स्लॉटर, ठीक है, स्लॉटरिंग के लिए कैटल की जो सेल है उस पर जो बैन की मांग की गई थी उस लॉ में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। Seriously, what the fuck are you doing? वाह रे हमारी सेकुलर कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, शरिया से नहीं। आप देखिए इसको कह रहे हैं दादागिरी, ये लहजा समझिए, एक ही आर्टिकल के ये सारे हिस्से हैं। डिस्पाइट मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूटिंग 68.3% ऑफ जे एन के पॉपुलेशन, जम्मू एंड कश्मीर पॉपुलेशन के 68.3% हिस्सा रखते हैं मुसलमान, उसके बावजूद द स्लॉटर ऑफ बोविंस एंड सेल ऑफ बीफ हैज़ बीन बैंड सिंस द प्री पार्टीशन एरा, ये उस वक्त से बैन चलता आ रहा है मुसलमान। इनका दुख ये है कि हम इतने ज़्यादा हैं उसके बावजूद बोविन का कटना और बीफ का बिकना बैन चल रहा है पार्टीशन से भी पहले से, ठीक है। When the then princely state was ruled by Dogra rulers, Dogra भी हिंदू ही होते हैं, in the Dogra era, the ban was strictly enforced across the state, तब तो मुझे लगता है कि हम पहले ही ज़्यादा ठीक थे ना। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनका कहना यह आर्टिकल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जहाँ मुसलमान ज़्यादा होंगे वहाँ उनकी ही चलनी चाहिए, तो जहाँ अगर उसको दूसरे तरीके से देखें कि जिसकी आबादी ज़्यादा होनी चाहिए अगर उसकी ही चलनी चाहिए, तो समस्त भारतवर्ष में अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू आबादी ज़्यादा है तो गाय नहीं कटनी चाहिए, तो हम पे एलिगेशन क्यों लगाए जाते हैं, हमें फैनेटिक और बिल्कुल कम्युनल और ये सब चीज़ें क्यों कहा जाता है, हमारी डिमांड गलत कैसे है फिर, सुप्रीम कोर्ट हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती। अब एक दादागिरी और देखिए, दो ट्रेडिशनली कश्मीरीज प्रेफर मटन ओवर बीफ, ठीक है, ट्रेडिशनली वो बीफ के ऊपर मटन पसंद करते हैं शायद, अब इसका मतलब गाय के ऊपर बकरा, स्पेशली इन द अर्बन एरियाज, द ऑर्डर टू बैन बीफ इन द पास्ट वॉज सीन एज एन अटैक ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, बीफ बैन अगर हो तो रिलीजियस आइडेंटिटी पे अटैक की तरह ये लोग देखते हैं, अगर आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी बीफ खाने से है तो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी गाय को कटने से बचाने से है, तो अगर आप किसी भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं, एक नेशन की तरह बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप भारत में रह रहे हैं तो गाय काटेंगे तो हम उस पर एक अटैक की तरह ही देखेंगे, और फिर ये हमारा भी हक बनता है कि अटैक के बदले अटैक ही करें, अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, ये कहीं सुना हुआ लग रहा है। खैर, तो सर ये था पूरा मुद्दा बीफ बैन का, जो कश्मीर में कश्मीर के LG द्वारा, वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा हिंदुओं के साथ किया गया एक मजाक कि लो हम तुम्हें पॉलिश लगा दे रहे हैं, तुम्हें फ़र्क भी नहीं पता चलेगा, हम बिना धार का चक्कू चला रहे हैं मुसलमानों पे बीफ बैन पे, ऐसी ऐसी धाराएं हमने पेश की है फॉलो करने के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर में ही एक धारा उनमें से एक जो मेन धारा है जो क्रुएलिटी को रोकती है, एनिमल सेक्रीफाइस को रोकती है, वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू ही नहीं होती। अब जाओ चूतिया बनाया तुमको। खैर, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर एक दिन में मुसलमानों के आक्रोश से ऑफिशियल, जिसने भले ही बटरिंग वाला एकदम बिल्कुल नकली ऑर्डर पेश किया गया हो जिसका कोई यूज़ नहीं है, उस पे से भी पलट जाए कोई ऑफिशियल, तो सोचिए आप, इनकी हिम्मत सोचिए, जो वहाँ पे रेडिकल लोग हैं, जो वहाँ पे आतंकी मानसिकता वाले जो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी चल जाएगी, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं? सेंटर गवर्नमेंट जो कि सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट है, इस बात का इल्ज़ाम तो लगता है, तो उस पर अटैक भी आप इसलिए करिए कि भैया हमारी ये मांगे हैं, अगर आपने कुछ चंद समय के अंदर अंदर उसको लागू नहीं किया ना, आपकी सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार गिरा देंगे। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मुझे अगर कोई भाजपा समर्थक बोले, संघी बोले, तो आज उस पर भी सवाल उठ जाना चाहिए कि अब आज के बाद मुझे मत बोलना। मैं नहीं चाहता ऐसी सरकार जो हिंदुओं का वोट ले के आए, हिंदुओं को दरा के आए कि हम हिंदुओं की रक्षा करने आ रहे हैं और हिंदुओं के लिए काम ना करें, तो सर हमें ऐसी सरकार की जरूरत नहीं, हमें माफ़ करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।